एवरीवन, वेलकम बैक सनाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है मेरी एंड आपकी फेवरेट, क्योंकि ये होने वाला है एक शॉपिंग हॉल फ्रॉम अमेज़न। यस, रिसेंटली मैंने अमेज़न से कुछ चीज़ें पिक की थी। ऑनेस्टली बोलूँ तो हाउसहोल्ड रिलेटेड ही चीज़ें मैंने पिक की है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या लिया है और कौन सी डील पर मुझे मिला है एंड किसका क्या यूज़ है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो इस टाइप के कुछ बड़े बड़े कार्टन्स में मुझे रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे अनबॉक्स करती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन। बट यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने पिक किया है वो है ये कर्टेन का सेट, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। मैं इमेज साइड में डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं। वेट, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो यस, ये कुछ इस टाइप से थ्री कर्टेन का सेट है। लाइक वन जो है ना, इसमें प्लेन मिलता है जो कि मिड में लगेगा, और ये टू फ्लोरल प्रिंटेड है जो कि साइड्स में लगेंगे। तो मैंने इमेज डाल दिया है, बहुत ही प्रिटी लगता है लगने के बाद। तो ये वाला जो कर्टन है ना, सेम मेरे यहाँ वाले घर पे भी यूज़ होता है। लाइक अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ बलिया में, तो यहाँ पे भी सेम कर्टन यूज़ होता है। कई बार आपने मेरे बैकड्रॉप पे देखा होगा, बट कलर चेंज है। यहाँ जो यूज़ होता है वो ग्रीन होता है पूरे घर में, और वहाँ के लिए, दैट मीन्स गोरखपुर के लिए, मैंने ये वाला कलर पिक किया था। तो मैं अपने साथ लेकर के गई थी पूरे घर का। बट हुआ क्या कि जाने के बाद मुझे पता चला कि घर में एक ओपन अलमीरा भी है, तो वो ओपन सही नहीं लग रहा था, और अभी हमें उसे क्लोज भी नहीं करवाना है क्योंकि काम उसका ओपन का ही है। तो मैंने सोचा उस पर मैं कर्टन ऐड कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये थ्री का अगेन सेट लिया है जो कि घर से मैच करेगा। और ये 9 फीट की हाइट मैंने ली है, इससे लंबा नहीं आता है, तो ये 9 फीट वाला मैंने लिया है। इसमें हाइट आपको 5 फीट से स्टार्ट हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 तक मिल जाता है। और कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से कलर ऑप्शन आते हैं। वहाँ के लिए मैंने पूरा वॉयलेट लिया था, इसलिए मैंने ये वाला भी वॉयलेट ही पिक किया है। यहाँ पे ग्रीन यूज़ होता है, इसके अलावा इसमें आपको पिंक मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा, मरून मिलता है एंड ब्लू भी आता है। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी MRP मेंशन है 999 रुपीज़। लाइक 999 में ये तीन का सेट मिला है, हाइट की वजह से ये प्राइस है। आप अगर विंडो वगैरह का लेंगे तो कम प्राइस पड़ने वाला है, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला है 795 रुपीज़ में। तो प्राइस सही था, और बाकी के भी कर्टन्स का काफ़ी सही प्राइस है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें साइज़ वेरिएशन आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये कुबेर इंडस्ट्री का ये 2 ड्रॉर्स है। वेट, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। लाइक ये कुछ इस टाइप से आता है, और इसे आपको ऐसे ओपन करना है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको ऐसे उमेर में लगा देना है। तो यू कैन सी काफ़ी सही लेंथ है, इतना बड़ा है ये, और अंदर से काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो ये मैंने बेसिकली अपनी अलमीरा के लिए लिया है, और मैंने डिसाइड किया कि इसमें मैं अपने सारे बॉटम वियर रखूँगी, तो उससे ही एक जगह पे रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने ये 2 का सेट लिया है, और साइड में इस तरह से दिया हुआ है, आप इसे पुल कर सकते हैं। तो काफ़ी सही है, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं ना, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। काफ़ी चीज़ें उनकी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, लाइक टॉयज से लेकर कपड़े तक सब कुछ। तो इसे मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो मैं आपको वहाँ जा करके दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने अपने सारे बॉटम्स रखना था, तो इसलिए मैंने 2 का लिया है। आप चाहें तो 4 का भी पैक ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, 6 तक का भी पैक आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो जितना ज़्यादा का आप सेट लेंगे ना, उतना अच्छा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मैंने 2 का सेट लिया था जिसकी MRP मेंशन थी 348 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला है 308 रुपीज़ में। और सिंगल पीस अगर आप ले रहे हैं ना, तो वो 180 के अराउंड में पड़ने वाला है, तो ऐसा सीन है इसमें। तो मैंने ये 2 का लिया है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और हाँ, लेते टाइम साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से ब्रांड्स दे रहे हैं बट साइज़ सबका वेरी करता है, तो आप साइज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। मैं इमेज साइड में ज़रूर ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट, अगेन मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लिया है, वो है ये स्कार्फ हैंगर, जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी बट हर बार मैं भूल जाती थी। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा मल्टीपर्पज़ यूज़ में आते हैं। लाइक आप इसमें अपने स्कार्फ, दुपट्टा, शॉल, टाई, बेल्ट, इन तरह की चीज़ें ईजिली हैंग कर सकते हैं। होता क्या है, कई बार ना बहुत से एक ही दुपट्टा बहुत से आउटफिट पे चले जाते हैं, तो उस तरह के बहुत से हो जाते हैं शिफॉन के, जो नॉर्मल दुपट्टाज हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने बेसिकली ये लिया है, और इसमें ये 10 पीसेज, मतलब 10 सर्कल बने हुए हैं, तो आप 10 दुपट्टाज एक बार में इसमें हैंग कर सकते हैं। और नीचे में भी इस टाइप से क्लिप दी हुई है, तो कुछ चाहें तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 का सेट लिया है। कलर ऑप्शन बहुत सारे थे, बट आपको रैंडम आएगा। टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो इसकी MRP मेंशन थी 399 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला है ओनली इन रुपीज़ 146। तो 146 के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है, एंड काफ़ी स्टडी मटेरियल है, लाइक यू कैन सी। नेक्स्ट, अगेन मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पिक की है, वो है ये शू बैग फ्रॉम द ब्रांड शू शाइन। यस, ये कुछ इस टाइप से शू बैग्स आते हैं। मैंने ये 12 का सेट लिया है, जिसमें 6 मुझे ये बेज कलर रिसीव हुए हैं एंड 6 जो है वो ब्लैक रिसीव हुआ है, लाइक यू कैन सी। तो होता क्या है ना कि ट्रैवल के टाइम पे, या फिर घर में भी, आप बड़े बड़े कार्टन्स में फुटवेयर नहीं रखना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा जो शू क्लॉजेट है वो पूरी तरह से भर चुका है, तो इसलिए मैंने ये लिया है कि वो कार्टन्स हटा करके मैं इसमें उन्हें स्टोर कर दूंगी, तो काफ़ी सही रहेगा। एंड यू कैन सी काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है, और ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, मेल फीमेल दोनों के फुटवेयर आराम से इसमें आ जाएंगे।
और यहाँ से बस आपको इसे टाई कर देना है। तो यस, ये चीज़ मुझे काफ़ी काम की लगी। इसमें 6 का भी सेट आता है, मैंने 12 का सेट पिक किया है। टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो इसकी MRP मेंशन थी 450 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला है ओनली इन रुपीज़ 249। तो इसकी जो पिक है वो मैं साइड में ऐड कर दूंगी प्राइस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे प्रोडक्ट जो रिसेंटली मैंने अमेजन से पिक किए। कुछ और भी प्रोडक्ट्स लिए हैं बट वो हाउस होल्ड में नहीं आने वाला है, तो उसे मैं किसी और पार्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट अभी के लिए यही इतना है। काफ़ी काम की चीज़ें हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। इफ यस, देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।